I feel very, very emotional coming back to my country. I dreamt of this day for so many months and years. I counted the hours, I counted the minutes and the seconds just to see this land, to see the grass, to see the sky. दो मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रहने वाली वाहिद खातून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी दुनिया भर की तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में नहायत अकीदत और एहतराम से मनाई गई। तकरीब का एहतमाम सदर पीपीपी गल्फ मिडिल ईस्ट मियां मुनीर हंस की जानिब से किया गया, जबकि पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए सीनियर पार्टी रहनुमा मियां अयूब मेहमान खुसूसी थे। मुकर्ररी ने बीबी शहीद के वतन अजीज के लिए लाफानी खिदमात और आवाम से वालाहाना मोहब्बत को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर बीबी शहीद की बुलंदी दर्जात और पार्टी शहदा के इसाल सवाब के लिए दुआए मगफरत की गई। यूएई में रहने वाले पीपीपी के सीनियर रहनुमा आज भी इनके साथ गुजरे हुए अयाम को याद करते हैं। मियां अयूब ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान का रोशन चेहरा और रोशन मुस्तकबिल थी। इन्हें आलमी सतह पर आयरन लेडी, मशरक शहजादी, दुख्तर इस्लाम और मशरक की बेटी के नाम से याद किया जाता था। हॉल जिए भुट्टो, जिए जरदारी और जिए बिलावल के नारों से गूंजता रहा। बरसी तकरीब में निज़ामत के फ़राइज़, दानिश्वर, इल्मी, अदबी शख्सियत सीनियर पार्टी रहनुमा मलिक असलम ने नहायत उमदगी से अदा किए। कैसर खान आफरीदी, फरुख सैदैन, अरशद भट्ट, आतिफ गिलानी, गजम्फर नकवी, आयशा मियां मुनीर, शीरिन दुरानी, नजमा एहसान, नजमा जिलानी, एहसान गोगा, जुल्फ़ार मुगल, निसार खट्टक, मियां मुनव्वर, दिगर पार्टी अहदेदारान और कारकुनान कसीर तादाद में शरीक हुए। कैमरा टीम के साथ शबाना खान, इमारात न्यूज़, दुबई। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, आज गल्फ मिडल ईस्ट ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी का एहतमाम किया और मुझे मेहमान खुसूसी बुलाया, इनका शुक्रिया। पूरी दुनिया में आज मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मनाई जा रही है, उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मोहतरमा दुनिया की अजीम लीडर थी और मुस्लिम कंट्री की वाहिद खातून थी जो दो दफ़ा वज़ीर आज़म बनी, मगर कुदरत ने उन्हें मौका नहीं दिया, उन्होंने तीसरी दफ़ा भी बनना था। अब आने वाले इलेक्शन में हम उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इलेक्शन जीतेंगे और मोहतरमा को सलाम पेश करेंगे। आज तजदीद अहद वफा का दिन था कि जियालों ने इस बात का अहद किया कि जिस अजीम मकसद के लिए हमारी कायद ने अपनी जान कुर्बान की, उस मकसद को ना सिर्फ ये कि हम जारी रखेंगे बल्कि उसे पाए तकमील तक भी पहुँचाएँगे। और ये वक्त हमसे ये तकाजा करता है कि इस मुल्क के सियासी हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है और वो इस बात के लिए पूरी कोशिश करें कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाए ताकि इस मुल्क को मौजूदा जो बहरान दरपेश है उनसे निकाला जा सके। बीबी शहीद एक ग्रेट खातून थी और ग्रेट लीडर थी, मुसलमान दुनिया की वो शान थी और बस अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। और अगर जिंदा रहती तो आज पाकिस्तान की तस्वीर कुछ और होती। आज बीबी की यौम शहादत है, ये हमारे लिए बहुत दुख की घड़ी भी है, बहुत गम और बुझे दिलों के साथ मनाते हैं। बीबी की शहादत हुई है इस दिन पे और आप आए, हमें इमारात न्यूज़ का भी शुक्रगुजार है आज की कवरेज के लिए। हम बीबी के शहादत के मौके पर ये अहद करते हैं कि बीबी की शहादत जिस मकसद के लिए थी, जिस नज़रिए के लिए थी, जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के जमहूर के लिए, तो इंशाल्लाह इस मकसद को हम उसकी शहादत या उसका खून रायगा नहीं जाने देंगे, उसके मकसद के लिए हम लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक, बिलावल का साथ देते रहेंगे। शुक्रिया। शहीद मोहतरमा जैसी लेडीज़ ना तो हमारे पाकिस्तान में दोबारा मोहतरमा आ सकती हैं और ना ही होंगी और ना ही कभी हमें मिलेंगी। हमने उनके लिए अपने मुल्क का
सबसे बड़ा नुकसान उठाया। आज दिन तो बहुत बड़ा है, आज महात्मा की बरसी का दिन है और मेरे वाले साहब की बरसी का दिन है और सेम टाइम वो लियाकत बाग के अंदर सेम टाइम महात्मा के साथ ही शहादत हुई है वाले साहब की भी। सब शहीदों के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह उनके दरजा बुलंद करे और सब शहीदों को अल्लाह जवाद जमन में जगह दे, आमीन और सुमा दे। थैंक यू। आज हम सब लोग यहाँ शरीक हैं बीबी की 16वीं बरसे के सिलसिले में और बीबी के साथ जो हम जयालों का मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है इंशाल्लाह ताला जब तक हम लोग जिंदा हैं वो कायम और दायम रहेगा। और इस पाकिस्तानी कौम के पास एक ही नज़ीर थी जो बेनज़ीर थी, तो वो जो हम लोगों ने खो दी, तो इंशाल्लाह ताला हमारा बीबी के साथ ये अहद है कि हम उनके साथ और उनके नज़रिए के साथ और इंशाल्लाह बिलावल साहब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह।